नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चैनल। बारातियों को भगा भगा कर पीटा, मौके पर मचा हडकंप। बारातियों में मची भगदड़ और मंडप में मची रोयाधाड़। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है राजस्थान की बांसवाड़ा में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। शादी में आए बारातियों से दुल्हन पक्ष के लोगों ने फिल्मी अंदाज में दौड़ा दौड़ा कर मारपीट की। दुल्हन पक्ष के कुछ लोगों ने बारातियों पर पत्थर, लात, घूंसे और कुर्सियों से हमला किया। बाराती यहां वहां अपनी जान बचाते दौड़ते दिखाई दिए। बारातियों से मारपीट की घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव की है। दोस्तों बताते चलें कि जो शादी है वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई थी, लेकिन दुल्हन की विदाई से कुछ समय पहले ही कुछ युवाओं ने बारातियों के साथ मारपीट शुरू कर दी थी। बारातियों से मारपीट की घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर इस घटना में करीब 9 लोग घायल हो गए हैं। उन्हीं में से दोस्तों बता दें घायल लक्ष्मण ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। घायल लक्ष्मण ने बताया है कि 22 मई को क्षेत्र के ठनु गाँव से रतनपुरा गाँव में मणिलाल पुत्र कुचरू चरपेटा के घर बारात गई हुई थी। बारातियों के साथ में दुल्हन पक्ष के लोगों द्वारा जमकर मारपीट करते हुए पत्थर, लात, घूंसे और कुर्सियों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहां इतने लोग थे लेकिन बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया, क्योंकि वहां तो पत्थर बरस रहे थे। बाराती यहां वहां अपनी जान बचाते हुए दिखाई दिए। घटना को लेकर 27 मई को आनंदपुरी थाने में पीड़ित पक्ष की ओर से रिपोर्ट दी गई, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। जब पीड़ित पक्ष ने जानकारी मांगी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं दोस्तों बता दें आनंद पुरी थाना पुलिस से संपर्क कर घटना की जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि दोपहर को मामला दर्ज किया गया है। वहीं घायल बारातियों का मेडिकल कराकर आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर दिया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि 11 दिन बाद आखिर पुलिस ने मामला दर्ज क्यों नहीं किया? पुलिस इतने दिन इस मामले को छुपाती क्यों रही? घटना के 11वें दिन तक राजस्थान पुलिस पूरी तरह से अनजान और बेखबर बनी रही। पुलिस ने आखिर रिपोर्ट देने के बाद 6वें दिन 1 जून को मामला दर्ज किया। दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जब दुल्हन की विदाई होती है और हंगामा खड़ा हो जाता है। आखिरकार हमारे युवा भाइयों को हुआ क्या है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी अवश्य बताना। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों इस प्रकार की घटना ना हो सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।